चित्रकूट फतह करके मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य बने नीलांशु चतुर्वेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज जब शपथ हुई तो श्री राम के नारे लगे। नीलांशु जी, राम के नारे कांग्रेस विधायक की जीत पर लगना एक परिवर्तन की तरफ इशारा करते हैं? भैया, तो दुर्भाग्य है अगर कोई सोचता है कि कांग्रेस के लोग राम के नारे नहीं लगा सकते तो दुर्भाग्य है। भगवान राम तो पूरे देश के हैं और हम लोग कौन से नास्तिक हैं। हम लोग तो पुराने राम भक्त हैं, पहले से राम भक्त हैं। अंतर इतना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उनका उपयोग राजनीतिक तौर पर करते हैं, हम उनका मार्गदर्शन और आस्था के रूप में करते हैं, फर्क इतना है। बिल्कुल, वैसे मैं चाहता था कि बात डेवलपमेंट से शुरू हो, लेकिन चूंकि सियासत है तो सियासत की बात सबसे पहले आती है। किस तरह का रोड मैप तैयार किया है, चूंकि इस एक साल में आपको बहुत कुछ चित्रकूट में करना है? देखिए, निश्चित तौर पे समय कम है। एक साल में हम कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि चित्रकूट क्षेत्र की जो बेसिक चीज़ें हैं, पूरा जो चित्रकूट परिक्षेत्र है 84 कोस का, उसमें पूरा उसका डेवलपमेंट करने का एक रोड मैप तैयार हो जाए। टूरिज्म और अध्यात्म से जुड़ी चीज़ें हम डेवलप कर सकें, भगवान राम से जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं संरक्षित कर सकें और पूरे देश को, देश के लिए आकर्षण का केंद्र बना सकें कि किन जंगलों में, किन किस क्षेत्र में भगवान राम ने अपने वनवास काल बिताया है। और वहाँ पे जब ये चीज़ें होंगी तो ऑटोमेटिक युवाओं के लिए रोजगार डेवलप होगा और पूरे देश और विश्व में चित्रकूट का नाम होगा। जहाँ पे भगवान राम रहे हों, वहाँ पे इतनी उपेक्षा रही हो तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं लोगों ने सिर्फ राम का उपयोग राजनीति के लिए किया और उस तपोभूमि और उस कर्मभूमि को भी छोड़ दिया। जी, जो रोड मैप है उसको अगर बिंदुवार पूछें तो एजुकेशन के मामले में क्या कुछ लगता है, क्या गुंजाइश है, कितने स्कूल और होने चाहिए, कॉलेज की स्थापना, ITI, ये इन तमाम चीज़ों को लेकर क्या स्थिति आप आंकते हैं? देखिए, अभी तक लगातार चुनाव के टाइम से आदरणीय माननीय CM साहब ने बहुत सारी घोषणाएं की हैं, तो एक तो ये रहेगा कि हमारा इस 6 महीने में हम उन घोषणाओं को पूरा कराने के लिए पूरा दबाव और प्रेशर बनाएं कि जो घोषणा आप बोल के आए हो, ITI का, अस्पताल का, अन्य चीज़ों का, उन सारी चीज़ों का डेवलपमेंट हो, ये तो उन घोषणाओं को होगा। लेकिन हमारे मन में जो एक है, हमारे बुजुर्गों के उस दिशा निर्देशन में और हमारे मन में जो एक चित्रकूट क्षेत्र की परिकल्पना है, उस परिकल्पना को साकार करने के लिए एक पेपर वर्क तो तैयार हो चुका है उसको दिमाग में, और उसको ऑन पेपर अपन लोग रख लिए हैं और उसी दिशा में काम करके चित्रकूट क्षेत्र को आगे ले जाने का काम किया जाएगा। चाहे वो इंडस्ट्री से रिलेटेड हो जैतवारा सर्किल में, चाहे वो प्रवेश द्वार मझगवां से रिलेटेड हो, चाहे बड़े देव बाबा का डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, चाहे कामतानाथ और परिक्रमा से पथ से डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, चाहे गैबीनाथ बिरसिंहपुर क्षेत्र से रिलेटेड हो। और जो आज के समय की जो सबसे बड़ी समस्या है, आप देखो ना, जैसे अभी आप लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों ने श्री राम का नाम जयकारे लगा दिए, तो हमने कोई पाप नहीं किया है। पाप तो उन लोगों ने किया है जिन्होंने भगवान राम का राजनीतिक उपयोग किया है। हम तो अपनी खुशी में श्री राम को हमेशा याद करते चले आ रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। दुर्भाग्य देखो, आपकी गाय और राम सिर्फ चुनाव के टाइम पर याद आते हैं। आज उन गायों की ये दुर्दशा है कि वो रोड पर मर रही हैं, और दूसरी दुर्दशा यह है कि उन गायों की वजह से, अन्ना प्रथा की वजह से किसान भी हमारा परेशान हो रहा है, किसान का फसल नहीं तैयार हो पा रही है। इस दिशा में आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने कोई ध्यान नहीं दिया है। पिछले टाइम पे हमारे यहाँ मंत्री महोदय आए थे, उन्होंने चित्रकूट क्षेत्र में गौ अभ्यारण्य की बात करी थी, तो हम उस चीज़ को भी दमदारी से उठाएंगे कि उस गौ अभ्यारण्य का चित्रकूट क्षेत्र के जंगल में शुरुआत करें। जैसे आप टाइगर का रिजर्व करते हो, खोलते हो, वैसे भी गौ अभ्यारण्य खुलना चाहिए और गायों की पूरी सुरक्षा होनी चाहिए। जी, और नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने जब जीत हुई तो उन्होंने कहा कि इस जीत के साथ ही वनवास अब कांग्रेस का खत्म हुआ है। 2018 को लेकर क्या सोचते हैं, चूंकि आप इस जीत का स्वाद चखने वाले वो लोग हैं, वो व्यक्ति हैं जिस जीत ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एनर्जी और एक नया करंट पैदा किया है, क्या कहेंगे 2018 तक ये करंट बना रहेगा? देखिए, स्वाभाविक है, ये जो ऊर्जा दी है, देखिए कोई भी ऊर्जा जब मिलती है, कोई भी शक्ति मिलती है तो बिना ईश्वर की कृपा के तो मिलती नहीं है। हम लोग तो एक साधारण मानव है और बिना ईश्वर की कृपा के कुछ भी चीज़ संभव नहीं है। तो ये आप चित्रकूट के चुनाव से ये संदेश जरूर जाता है, क्योंकि वहाँ पे रहने वाले सभी आध्यात्मिक लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिनके पूर्वजों ने भगवान राम के पैर के कांटे निकाले होंगे। कोई दिल्ली बम्बई से तो आया नहीं होगा, वहीं पर रहने वाले जो लोग हैं उन्हीं ने निकाले होंगे। तो वो लोग भी थक गए कि भगवान राम राम राम, तो उन राम भक्तों ने संदेश दिया है कि आप लोग 2018 में वनवास के लिए तैयार हो जाओ। तो राम के पैर के कांटे जिन्होंने निकाले, वो क्या कांग्रेस के पैर के कांटे भी 2018 में निकाल लेंगे, ये उम्मीद चित्रकूट से बनती है और नीलांशु जी का दावा है। अब देखना ये कि ये दावा किस तरह की हकीकत में बदलता है। कैमरामैन अभिलाष तिवारी के साथ हित किशोर शर्मा।